जब आंखों में अरमान लिया है, मंजिल को अपना मान लिया है, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए तो है ही सही, लेकिन अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं और आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए भी। आज हम बात करने वाले हैं कि एक लक्ष्य को कैसे बनाया जाए। अगर आपने लक्ष्य की स्थापना कर ली है, अगर आपने लक्ष्य बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बनाया तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लक्ष्य बना भी लेंगे और लक्ष्य को पाने के लिए जो प्रयास है वो भी आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। क्योंकि मैं आज बात करने वाला हूँ कि एक लक्ष्य को कैसे बनाया जाए, लक्ष्य की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कि लक्ष्य क्यों बनाना चाहिए और एक लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, आज मैं सब बात करने वाला हूँ। तो आप इसको सक्सेस टिप्स भी कह सकते हैं, हेल्पफुल वीडियो भी कह सकते हैं, हेल्पफुल टिप्स भी कह सकते हैं, लेकिन जो भी कहें, लेकिन ये वीडियो आपके लिए मददगार हो सकता है आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। वही मेरा प्रयास है कि मैं आपकी मदद कर पाऊँ और आपको अपने जीवन में सक्सेस की तरफ बढ़ाने का प्रयास कर पाऊँ। तो सबसे पहले तो अगर आप एक स्टूडेंट है तो मैं आपसे पूछूं कि एक छात्र के रूप में क्या आपने अपने लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किया है, तो आपका जवाब क्या होगा? थोड़ा सा सोचना, आपका जवाब क्या होगा? आप में से अधिकांश स्टूडेंट्स, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका अधिकांश जवाब नकारात्मक होगा, क्योंकि बहुत ही कम स्टूडेंट्स, बहुत ही कम मात्रा में स्टूडेंट जो है अपने लक्ष्य का निर्धारण कर पाते हैं, और अधिकतर स्टूडेंट जो है अपनी जो लाइफ की जो दिनचर्या होती है, जो डेली रोटेशन होता है लाइफ का, उसमें ही व्यस्त रहते हैं। ये शायद आपने अनुभव किया होगा कि आजकल स्टूडेंट अपने दिनचर्या में इतने व्यस्त रहते हैं कि दिन के अंत में नींद के लिए तरस रहे होते हैं, और सुबह स्कूल कॉलेज या फिर कुछ काम के लिए भाग रहे होते हैं। अभी तो स्कूल कॉलेज का थोड़ा सा कमी फंड आया इस कोरोना की वजह से, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स में, ज़्यादातर लोगों में यही प्रक्रिया है कि रात को नींद के लिए और सुबह कुछ काम के लिए भाग रहे होते हैं। तो लक्ष्य निर्धारण का समय ही नहीं है, समय निकालना होगा, इस पर काम करना होगा, लक्ष्य बनाना होगा और उस पर दिन रात मेहनत करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा। सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि लक्ष्य निर्धारण होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लक्ष्य निर्धारण होता क्या है। दोस्तों, लक्ष्य निर्धारण होता है कि एक निर्धारित समय में, ध्यान से सुनना, एक निर्धारित समय में के भीतर, एक निश्चित लक्ष्य को पाने के लिए उस पर एक योजना बनाना, मतलब एक निर्धारित लक्ष्य के लिए एक निश्चित कार्य योजना बनाना ही लक्ष्य निर्धारण होता है। ये तो हो गया लक्ष्य की बात कि लक्ष्य निर्धारण होता क्या है। दोस्तों, लक्ष्य निर्धारण का मतलब केवल अपनी जीवन योजनाओं को परिभाषित करना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर ध्यान से समझना, अपनी जीवन की योजनाओं को परिभाषित करना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो तो एक अपना डेली लाइफ का जो रोटेशन है वो अपना लक्ष्य नहीं होना चाहिए, वो तो डेली अपने जीवन का भाग है। इसमें आप कुछ अल्पकालीन लक्ष्य भी ले सकते हैं और अपने दीर्घकालीन लक्ष्य भी, मतलब छोटे समय के आप प्राप्त करने लक्ष्य बना सकते हैं और बड़े लक्ष्य भी आप बना सकते हैं। ये होता है लक्ष्य निर्धारण। जरूरी नहीं है कि आप उसमें जीवन योजनाओं से जुड़े लक्ष्य लें, क्योंकि जीवन योजना से जुड़े हुए लक्ष्य तो एक डेली लाइफ के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि वो हमारी दिनचर्या होती है, तो उसकी तो हम बात करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो हमारा करना ही है, क्योंकि पार्ट ऑफ लाइफ है जीवन की योजना। तो लेकिन इसमें आप छोटे लक्ष्य भी ले सकते हैं, बड़े लक्ष्य भी ले सकते हैं। पहले तो ये समझना होगा कि मैं 5 तरीकों से बताने वाला हूँ कि ये लक्ष्य निर्धारण की आवश्यकता क्यों होती है। ध्यान से सुनना कि लक्ष्य की जरूरत क्यों होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें लक्ष्य क्यों बनाना है। सबसे पहले तो लक्ष्य की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हमें ये लक्ष्य बनाने के लिए और लक्ष्य पाने के लिए प्रेरित करता है। सबसे पहले तो लक्ष्य इसलिए बनाते हैं कि हमें जो कुछ करना है जीवन में उसको पाने के लिए प्रेरित करता है जो हमने लक्ष्य बनाया। उसके बाद में आपकी ताकत और आपकी कमजोरियों को आकलन करने के लिए सबसे जरूरी है कि आपका लक्ष्य क्या है, इसलिए लक्ष्य बनाने की जरूरत है। आपकी ताकत और कमजोरी का जो आकलन इससे हो जाता है। उसके बाद में ये आपको सीधे विकास में बड़ी भूमिका निभाता है आगे बढ़ने में। जब आप धीरे धीरे ग्रोथ आपकी बढ़ेगी तो इसमें बड़ी भूमिका रहेगी आपके लक्ष्य की। उसके बाद में आपका लक्ष्य इसलिए बनाते कि आपको आगे की राह स्पष्ट करके आपकी प्राथमिकताओं को परिभाषित करने में ये मदद करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको आगे की राह स्पष्ट करता है और प्राथमिकताओं को परिभाषित करके आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद करता है आपका लक्ष्य। सबसे इम्पोर्टेंट ये आपके आत्मसम्मान को, बढ़ाने और उन्हें प्रगतिशील बनाने में मदद करता है आपका लक्ष्य, इसलिए आपको लक्ष्य बनाने के लिए बोला जाता है। तो हम बात करेंगे 4 ऐसी बातों का कि लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जाए। 4 में सक्सेस टिप्स बताने वाला हूँ कि इन चीज़ों से आप लक्ष्य को प्राप्त बिल्कुल कर सकते हैं। वही मेरा प्रयास है कि मैं आपकी मदद कर सकूँ आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में। आप एक स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आपको एक स्पष्ट लक्ष्य बनाना होगा।
स्पष्ट लक्ष्य का मतलब यह है कि आपको क्लियर करना होगा कि मेरा उद्देश्य क्या है, जीवन में कुछ करने का उद्देश्य क्या है। एक स्टूडेंट के लिए इससे काम नहीं चलेगा कि मैं परीक्षा में बेहतर करने की कोशिश करूं या मैं अच्छे नंबर ले आऊं, ये बिल्कुल गलत बात है। हमें यह निश्चित करना होगा कि मैंने आज के दिन क्या करना है, आज के दिन मेरे को इतने क्वेश्चन सोल्व करने, इतनी किताबें पढ़ने, इतने लेसन कंप्लीट करने हैं, तो करने हैं। ये टारगेट आपको पूरा करना होगा। जैसे कि आप खाने पीने का, मौज मस्ती का, आनंद का टारगेट पूरा करते हैं कि मुझे टाइम पास करना है, मुझे मजा करना है, एंजॉय करना है, टीवी देखना, जिस प्रकार आप छोटे छोटे इन चीज़ों में अपना टारगेट फिक्स रखते हो, वैसे ही आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने टारगेट को फिक्स करना होगा कि मुझे आज ये करना है, मुझे चैप्टर सोल्व करना है, मुझे इतना पढ़ना है, ये किताब पढ़नी है, तो करना है। जब भी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाओगे तो अपने एक जो है क्लियर विजन लेके चलना है, क्लियर स्पष्ट लक्ष्य बनाना। आपने एक स्पष्ट लक्ष्य बना लिया, उसके बाद में एक एक्शन प्लान बनाना होगा। एक्शन प्लान बनाने का मतलब है कि अब आपको आगे ये सोचना है कि जो आपने लक्ष्य बनाया है उसको कैसे हासिल किया जाए, और एक प्लान विकसित करना है उस पर काम करने का। आपने अगर दीर्घकाल लक्ष्य बनाया है तो उस हिसाब से आपको बड़ा सोचना है, अगर आपने अल्पकालीन छोटा लक्ष्य बनाया तो उस हिसाब से आपको छोटे छोटे लेके आगे, छोटे छोटे चीजों को लेकर आगे बढ़ना है। दोस्तों, तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको दैनिक आधार पर जो आप सोचते हैं, जो आपकी डेली रूटीन होता है, उसके हिसाब से तो आगे बढ़कर सोचना होगा। इस पर मैंने बार बार बात की, कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, कुछ अतिरिक्त सोचना होगा, आप डेली जो जीवन जीते हैं उससे अलग सोचना होगा। ठीक है, आपका एक्शन प्लान तैयार हो गया, उसके बाद में जो आपने एक्शन प्लान बनाया है उस पर आपको काम करना होगा। एक्शन प्लान, जब आपने एक्शन प्लान तैयार कर लिया, बना लिया, उसके बाद में जल्द से जल्द उस पर आपको काम शुरू कर देना चाहिए। तो जब आप योजनाओं पर काम शुरू करेंगे जल्द से जल्द, जब भी आप उस काम को पूरा कर पाएंगे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने एक्शन प्लान बना लिया और उस पर जल्द से जल्द आपको काम शुरू करना है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी योजना जो आपने बनाई है उस पर समय समय पर उसकी समीक्षा करनी होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप लक्ष्य लेके चल रहे हैं, जो आपने योजना बनाई है उस पर काम करने की, उसको समय समय पर आपको समीक्षा करनी होगी। कभी पहली बार में जो चीज आसान लगती है वो बाद में इतना मुश्किल हो जाता है उसको करना, कि इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो योजना बनाई है उसको समय समय पर समीक्षा करनी है। अगर आपको बदलाव करने की जरूरत लगे कि उसमें मुझे बदलाव करना चाहिए, तो आपको उस पर बदलाव करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए कुछ बदलावों के साथ। इम्पोर्टेंट है कि समय समय पर जो आपने योजना बनाई है उस पर काम करें, उसकी समीक्षा करें, जरूरत पड़े तो उसको बदलने का काम करें और जीवन में निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करता रहे। तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ आपने सीखे होगी और इन चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ेंगे तो जीवन में जल्दी ही ग्रोथ कर पाएंगे और अपने लक्ष्य की स्थापना भी कर पाएंगे, लक्ष्य को प्राप्त भी कर पाएंगे और जीवन में कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो मेरा एक ही है प्रयास, आप सभी हो सफलता के पास। लव यू फ्रेंड्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।